स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं डीआरएक्स रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट आपके लिए लेकर के आया हूँ फार्मासिस्ट का नोटिफिकेशन। फार्मासिस्ट ये रिक्रूटमेंट होना है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी गुरुग्राम हरियाणा में। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे और शुरू करेंगे हम अपना आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है वो है विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा की ये वैकेंसी है और ये वैकेंसी आज का जो पेपर है अमर उजाला और 22 नवंबर आज की डेट है, आज की जो डेट है वो है 25 नवंबर 2020, ठीक है। 25 नवंबर 2020 के पेपर में जो है ये नोटिफिकेशन निकला है, अमर उजाला पेपर है और जो इसमें एक कॉलम निकलता है जॉब अलर्ट का, ठीक है, उस कॉलम में ये वैकेंसी के बारे में बताया गया है। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं पद इसमें क्या है, अकाउंटेंट भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, स्किल इंस्ट्रक्टर इत्यादि 67 पद हैं, टोटल 67 पोस्ट हैं। अधिकतम जो एज है वो 50 ईयर्स है, यानी आप 50 साल तक अंडर 50 ईयर्स तक के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1000 रुपये आवेदन शुल्क है, 1000 रुपये और 250 रुपये, ठीक है, वर्गानुसार, मतलब अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग, जैसे जनरल की 1000 है ये तो पता है, हो सकता है ओबीसी की भी 1000 हो, एससी एसटी की 250 रुपये, ठीक है। और जो पात्रताएं हैं आप लोग देख सकते हैं, पात्रताएं हर एक पोस्ट की पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशंस हैं और इसमें भी फार्मेसी का नहीं दिया गया है, बाकी दूसरी पोस्टों का है। तो फार्मेसी का आप ये मान करके चलिए, उसमें फार्मेसी के लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है और वही क्वालिफिकेशंस है वो हम लोग अभी देखेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे भी। और देखिए इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर पर कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए, 10वीं तक हिंदी व अंग्रेजी की अच्छी जानकारी होनी चाहिए पदानुसार, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 21 दिसंबर 2020 है, ठीक है ना। और अगर आप हार्ड कॉपी भेजते हैं तो 30 दिसंबर 2020 तक आप हार्ड कॉपी भेज दीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी तरफ, पहुंच चुके हैं हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। देखिए श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी आप लोग देख सकते हैं और इसमें जो पोस्टें हैं उन पोस्टों को भी आप लोग देख रहे हैं। देखिए जो फार्मासिस्ट की हम लोगों का जो वीडियो है मेनली जिसपे, वो है एक वैकेंसी फार्मासिस्ट की, एक वैकेंसी इन्होंने रखी है वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, यानी जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। बाकी आप लोग देख सकते हैं असिस्टेंट की वैकेंसी है, पर्सनल सेक्रेटरी की वैकेंसी है, अकाउंटेंट की है, मतलब हर एक फील्ड की वैकेंसी है और जिसको अपने लायक ये वीडियो लगे वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। और जैसे कि ट्रांसलेटर की भी वैकेंसी है, देखिए मोस्टली जो वैकेंसी है वो एक एक करके ही हैं, ठीक है, शायद ही दो वैकेंसी, देखिए जैसे हॉस्पिटल सुपरवाइज़र इसमें दो वैकेंसी है, एक मेल कैंडिडेट की है एक फीमेल की है, बाकी मोस्टली एक एक करके ही वैकेंसी हैं। आप लोग देख सकते हैं ड्राइवर की भी वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन भी है, स्टाफ नर्स भी है, एक एक वैकेंसी है इन सब की, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगले पन्ने पे, देखते हैं क्या है इंस्ट्रक्शन टू एप्लीकेंट्स, जो आवेदन करता है उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है हम लोग देखेंगे। जैसे कोई आवेदन अगर कर रहा है तो उसके लिए क्या है कि कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो सिटीजन होना चाहिए कैंडिडेट को, नागरिक होना चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए एप्लीकेशंस के बारे में, नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत यूपी टू मैट्रिक लेवल इज एसेंशियल फॉर ऑल पोस्ट अप टू मैट्रिक लेवल इज एसेंशियल फॉर ऑल पोस्ट, यानी नॉलेज जो है हिंदी और संस्कृत की होनी चाहिए मैट्रिक लेवल तक, ठीक है। और बाकी आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा खास है नहीं, बाकी हम लोग फ़ीस स्ट्रक्चर देखेंगे, आप लोग देख सकते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर पर चलेंगे। तो फ़ीस स्ट्रक्चर आप लोग देखिएगा, जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 1000 है, एससी बीसी और ईएसएम ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 250 रुपये है और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, कोई डिसेबल पर्सन है उसके लिए एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फी, ठीक है। फिर देखिए ये इसका फीस स्ट्रक्चर है और हम लोग क्वालिफिकेशंस की बात अगर करते हैं तो क्वालिफिकेशंस भी देखेंगे, हाउ टू अप्लाई। देखिए क्वालिफिकेशंस अगर फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो फार्मासिस्ट का क्या है, लेवल 6 का जो पे मैट्रिक्स है, जो आपको पेमेंट मिलेगी वो लेवल 6 की मिलेगी, एज लिमिट 50 साल तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, अंडर 50 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या है, 12th विद नॉन मेडिकल या मेडिकल, आप जिस तरीके से भी 12th पास हैं, बायो है आप बायो से, ठीक है, अगर मैथ से मैथ से भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और बी फॉर्म या 2 इयर्स डिप्लोमा इन फार्मेसी जो डी फॉर्म है, दोनों में से दोनों ये लोग ले सकते हैं, ले रहे हैं। फार्मासिस्ट एक्ट 1948 के तहत आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए और किसी भी गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आपका। और दूसरा क्या है कि वैलिड रजिस्ट्रेशन विद द फार्मेसी काउंसिल ऑफ हरियाणा, तो बेसिकली जो हरियाणा के लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन आ जाएगा कि हरियाणा को ये प्राथमिकता दे रहे हैं, मतलब वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ हरियाणा के लिए, ठीक है, हरियाणा में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा क्या है, एक्सपीरियंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो मिनिमम 5 ईयर जो एक्सपीरियंस ये लोग कह रहे हैं कि 5 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्था से, गवर्नमेंटेड या प्राइवेट हॉस्पिटल से आप जुड़े हुए हैं और आपके पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए डी फॉर्म कैंडिडेट के लिए, जो ऐसे कैंडिडेट जो डी फॉर्म करें हैं, ठीक है ना, डी फॉर्म के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस, और जो बी फॉर्म कैंडिडेट हैं हमारे बैचलर जो कैंडिडेट हैं इनके लिए जो एक्सपीरियंस है वो 3 इयर्स का होना चाहिए, कितने साल का, 3 इयर्स का, ये आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये 3 इयर्स एक्सपीरियंस फॉर बी फार्मा और मिनिमम 5 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 इयर्स डिप्लोमा होल्डर, डिप्लोमा होल्डर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो दोस्तों ये था इसका प्रोस्पेक्टस, आप लोगों ने देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल एग्ज़ाम पैरा को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए फार्मेसी से जुड़े हुए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, फार्मासिस्ट के क्वेश्चन पेपर लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।